हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी। वी आर स्टडिंग टुडे चैप्टर 20, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? एक सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग बींग्स का। एनिमल और प्लांट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। ओके, ठीक है। प्लांट ए भी प्रोपगेट होता है, एक जगह उगता है, फिर उसके बीज से दूसरी जगह उगता है। बाकी प्लांट्स में अपने जो ब्रांचेस हैं वो मूव करती हैं अपनी जगह से, चाहे वो मूव नहीं करता, पर उसमें भी मूवमेंट्स होते हैं, है ना। फ्लावर्स उगते हैं, बर्ड्स खिलती हैं। तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, है ना। प्रोटोप्लाज्म होता है अमीबा में, सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट होता है। ये आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, अमीबा का जो मूवमेंट है सीडोपोडिया के थ्रू होता है। और सीलिया और फ्लैजिला, ये आपको पैरामीशियम में टेंटिकल्स होते हैं। ओके, कई ऑर्गेनिज्म में तो सबके अलग अलग फीचर्स हैं चलने के, लिम्स से, है ना, पैरों से। जॉ मूवमेंट करती है, कुछ खाते हैं। हमारी आईलिड्स जो हैं पलकें मूवमेंट करती हैं, टंग मूवमेंट करता है। तो कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिसमें चेंज हो जाता है प्लेस का और लोकेशन का। इस वॉलेंट्री मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं। सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन, जैसे वॉकिंग, रनिंग, है ना, चलना, दौड़ना, कहीं चढ़ना, फ्लाई करना, स्विमिंग करना, ग्लाइडिंग करते हैं तो फ्लाई करते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं। ओके, तो ये सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जैसे पैरामीशियम में सीलिया होता है। पैरामीशियम आपको ध्यान है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है और उसमें ये सीलिया का मूवमेंट होता है, और फ्लैजिला इस तरह से होता है। क्लियर? तो साइटोफेरिंग्स से होता है लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ फूड किससे होता है? साइकोफेरेंस से। हाइड्रा जो होता है उसमें टेंटिकल्स होते हैं। ओके, हाइड्रा का भी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, वो लोकोमोशन में यूज़ करते हैं। और लिम्स जो हैं बॉडी पोस्चर को चेंज करने में और लोकोमोशन में काम आते हैं। तो मूवमेंट और लोकोमोशन अलग अलग चीज़ नहीं है, सेपरेटली नहीं स्टडी करना, साथ ही स्टडी होएगा। लोकोमोशन और मूवमेंट्स हैं, जितने लोकोमोशन है वो मूवमेंट्स हैं, पर सब मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे वॉलंटरी मूवमेंट्स, जैसे लिम्स का, जॉ का, टंग का, कुछ मूवमेंट है, चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन हो जाता है, तो इनको लोकोमोशन कहते हैं। ओके, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ये सब लोकोमोटरी मूवमेंट है। ठीक है, तो सारे मूवमेंट जरूरी नहीं है लोकोमोशन हो, पर तो लोकोमोशन हर एनिमल्स के, हर एनिमल के द्वारा किया जाता है। ओके, मेथड ऑफ वेरी विद देयर हैबिटेट्स पर डिपेंड करता है और सिचुएशन कैसी है। लोकोमोशन में क्या होता है, फूड और शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जितने लोकोमोशन है उसमें आप मूव तो कर रहे हो सर्च के लिए, फूड और शेल्टर के लिए, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मूवमेंट लोकोमोशन के लिए किए जाएं। वैसे ही जनरली आप मूव कर गए किसी भी चीज़ के लिए, पर लोकोमोशन किसी पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, या आपको दुश्मनों से बचना है तो वहाँ छुप गए कहीं, अब बारिश से बचना है कहीं शेल्टर लिया, खाने की तलाश में एनिमल्स निकल जाते हैं, अपने मेट की तलाश में निकल जाते हैं। सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड जब मिलता है तब वो डेवलप होता है जो सीड है। ओके, तो इस तरह से लोकोमोशन होता है। क्लियर? अब क्या है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारी बॉडी में जिनको मैक्रोफेजेस और क्या बोलते हैं हम, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ब्लड में जिसमें एमीबॉइड का मूवमेंट होता है, तो सीडोपोडिया मैंने पहले बताया था, एमीबा का स्ट्रक्चर आपको ध्यान हो गया, इट इज़ लाइक दिस, यूज टू बी लाइक दिस। तो साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं एमीबा का। और सिलियरी मूवमेंट होते हैं इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में, क्या होता है इपिथीलियम जो होता है स्किन का, उसमें सिलिएटेड मूवमेंट होते हैं, जो मैंने बताया था ना, ऐसे कर ये पैरामीशियम में सीलिया होता है। ओके, तो ये मूवमेंट करता है सीलिया,
ये सीडोपोडिया हो गया, ये अमीबा का स्ट्रक्चर हमने बताया, और ये जो है ये सीडियोपोडिया जिससे मूवमेंट होता है। ओके, तो सिलेरी मूवमेंट्स मोस्ट ऑफ द इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में भी होते हैं जिनमें सिलेटेड एपिथीलियम होता है, और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सीलिया का ट्रैकिया के अंदर जिससे कि डस्ट पार्टिकल रिमूव होते हैं या कुछ फॉरेन पार्टिकल्स हमने इनहेल कर दिए, सांस लेते हैं उसके साथ में। ओके, या पैसेज है ओवा का थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना, ओवम जब स्पर्म से जाके यूनाइट होता है तो उसमें भी सिलियरी मूवमेंट होता है। मूवमेंट लिम्स का, जॉ का, टंग का, इसमें मस्कुलर मूवमेंट होता है ना, मसल्स चाहिए हमें चलने के लिए, कुछ चबाने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ बोलने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो मसल्स की हैं वो यूज़ की जाती हैं लोकोमोशन के लिए, और दूसरे मूवमेंट हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो मसल्स की हैं इट इज़ यूज्ड फॉर लोकोमोशन और दूसरे मूवमेंट के लिए ह्यूमन बींग के, और ज़्यादातर जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। लोकोमोशन के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी चाहिए, आप चल के दूसरी जगह जाओगे, आपका स्केलेटल मूवमेंट होना चाहिए बोन्स का, मसल्स का, प्लस न्यूरल सिस्टम आपको कहे कि नहीं यहाँ इट इज़ नॉट सेफ टू बी हेयर, वी हैव टू गो देयर, कि वहाँ जाना है, तो हमें लोकोमोशन के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी चाहिए। ओके, और मूवमेंट जो है ये देखो, ये है आपका लोकोमोशन, और मूवमेंट जो है लिम जॉज का है जो मस्कुलर मूवमेंट रिक्वायर करता है। क्लियर? तो ये तो डिफरेंस था मूवमेंट और लोकोमोशन में। ओके, अब है मसल्स। आपने चैप्टर 8 में भी सीलियर फ्लैजिला आउटग्रोथ पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन स्विमिंग होती है स्पर्मेटोजोआ की, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, है ना, यूग्लिना के स्ट्रक्चर में जो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये फ्लैजिलर मूवमेंट होता है, ये स्विमिंग में हेल्प करता है स्पर्मेटोजोआ की, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, क्लियर, प्रोटोजोन्स और यूग्लिना में। मसल जो स्पेशलाइज होती हैं वो मीजोडर्मल ओरिजिन से होती हैं। 40-50% जो बॉडी वेट है ह्यूमन बॉडी है वो मसल्स की बनी हुई है। ओके, इसमें एक एबिलिटी होती है कि स्पेशल प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी की, इसमें स्पेशल एक होती है 40-50% जो होता है बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट में मसल कंट्रीब्यूट करती है। इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, एक्साइट होने की और एक्सटेंड होने की। तो मसल्स जो क्लासिफाइड किए गए हैं डिफरेंट कैटेगरी में, क्राइटेरिया में, जैसे लोकेशन में, अपीयरेंस में, और नेचर जो है रेगुलेशन का। तो लोकेशन के बेस पे तीन टाइप ऑफ मसल्स होती हैं, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियल। स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियल। तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो ज़्यादातर एसोसिएटेड होती हैं स्केलेटल कंपोनेंट से, जैसे स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है माइक्रोस्कोप में, उनको बोलते हैं स्ट्रेटिएटेड मसल्स। वॉलेंट्री कंट्रोल होता है उसमें नर्वस सिस्टम का, ठीक है। एक्टिविटीज़ क्या है हमारे कंट्रोल में, उनको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जो कि लोकोमोटरी एक्शन जो चल के हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बॉडी पोस्चर चेंज करते हैं, उसमें स्ट्रेटिएटेड मसल्स होती हैं। तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं स्केलेटल कंपोनेंट से होती हैं और उनमें स्ट्रेटिएटेड मसल्स होती हैं। स्ट्रेटिएटेड मसल हमारे चलना, फिरना, पोस्चर बदलना उसमें काम आती हैं। वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री मीन्स दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ अवर ब्रेन, कि हम सोचते हैं कि चलो हमें उठ के यहाँ से यहाँ जाना है, अब ये खाना है, अब यहाँ बैठना है, ये सब कौन करता है, स्ट्रेटिएटेड मसल ऑफ स्केलेटल, ठीक है। फिर है विसरल मसल। विसरल मसल्स जो होती हैं इनर वॉल्स में होती हैं विसरल ऑर्गन्स के, एलिमेंट्री कैनाल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशिएशन, नहीं होता स्ट्रेटिएटेड, नहीं होती, स्मूथ होती हैं, स्ट्राइप्स नहीं होती, स्मूथ मसल्स होती हैं, और इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे नर्वस सिस्टम पे नहीं होती, इसलिए इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं।
ओके, ये है वॉलेंट्री मसल्स और ये इनवॉलेंट्री, दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल. ये डिफरेंस जरूर आता है एग्जाम में, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स में क्या डिफरेंस है. तो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं. इसमें स्ट्रेटेटेड नहीं होती हैं, ये स्मूथ होती हैं. तो और हमारे नर्वस सिस्टम में कंट्रोल नहीं होते, जैसे ट्रांसपोर्ट होना फूड का डाइजेस्टिव ट्रैक में, या गैमेट्स यूनाइट होते हैं या मूवमेंट होता है गैमेट्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो दे आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल. तो इनको हम बोलते हैं, विसरल मसल्स जो है, स्मूथ मसल्स, इनको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स. ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं, अंदर कैसे डाइजेशन हो रहा है, कैसे मूवमेंट होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं, जिसमें कोई स्ट्राइप्स वगैरह इस तरह से नहीं बने होते. जैसे हम देखेंगे स्मूथ मसल्स फाइबर्स, इसमें नॉन स्ट्रेटिएटेड होती हैं. स्मूथ मसल्स इस तरह की होती हैं, देखिए जैसे इस तरह की होती है स्मूथ मसल्स, दे आर लाइक दिस. और जब हम स्केलेटल मसल देखेंगे जो कि स्ट्रेटिएटेड होती हैं, वो किस तरह की होती हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए मैं इसलिए बना रही हूँ इसको. ये देखिए, ये स्ट्रेटिएटेड है, इसमें स्ट्रेटिएशन नहीं है, क्लियर, स्ट्राइप्स नहीं बने हुए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. या डाइजेशन कैसे हो रहा है, या गैमेट्स कैसे यूनाइट हो रहे हैं, या उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. तो फाइबर्स स्ट्रेटिएटेड ट्यूबुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं. ओके, और ये जो हैं इसमें ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, दीज आर एक एक होता है ना, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ना, हर एक में तीन तीन न्यूक्लियस है. ये इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं, ये स्केलेटन्स में होती हैं, और ये इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं. इसके लिए इसका मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता जो हमारी बॉडी में. ओके, कि हम चेंज नहीं कर सकते उसका मूवमेंट, होता तो सब ब्रेन के थ्रू है पर कंट्रोल नहीं है, वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है कि हम सोचे कि अंदर जो डाइजेशन है उसको हम कंट्रोल कर लें, गैमेट्स के मूवमेंट को हम ब्रेन से मैसेज भेज के उसको कंट्रोल करें, वी कांट डू इट. फिर तीसरा है कार्डियक मसल, जैसे नाम से पता लग रहा है ये मसल्स हैं हार्ट की. ये जो मसल्स हैं ये ब्रांचिंग पैटर्न होता है कार्डियक मसल का, और ये भी स्ट्रेटिएटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, बट ये दे आर स्ट्रेटिएटेड. स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उसमें स्ट्रक्चर और ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स जो बॉडी में, उसमें नंबर ऑफ मसल्स बंडल्स होते हैं, साथ में कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है, इसको फैस्किन कहते हैं. जो कार्डियक मसल्स होती हैं ब्रांच्ड होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और हार्ट की वॉल्स में होती हैं. किस तरह की होती हैं एक बार मैं आपको डायग्राम बता दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका भी. इस तरह से होती हैं, देखिए ये ऐसे करके ब्रांच जाएगी, इट इज़ जस्ट लाइक दिस. फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, क्लियर.
ये आपकी कार्डियक मसल्स होगी, दीज आर कार्डियक मसल्स। ओके, तो कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? दे आर इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, हार्ट धड़क रहा है जो इनवॉलेंट्री है, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। देखो आपको डायग्राम याद रहेगा तो एक न्यूक्लियस है तो यूनिन्यूक्लिएटेड है, इनवॉलेंट्री है हार्ट का है तो अपने को पता ही है, और ये हार्ट को कवर करती हैं, और इसमें देखो धारियाँ हैं, ऐसे लाइन्स हैं, तो इसलिए स्ट्रेटिएटेड है। क्लियर? और ये डायग्रामेटिक यूज सेक्शनल व्यू है मसल्स का, शो कर रहा है मसल बंडल्स और मसल फाइबर। ये मसल फाइबर्स हैं, ये सार्कोलीमा है, ये ब्लड कैपिलरी है। क्रॉस सेक्शनल व्यू किसका बताया है हमने? मसल का बताया, मसल बंडल्स हैं, ये देखो मसल बंडल्स। ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स जो होती है हमारी बॉडी में, उसमें बहुत सारे स्केलेटल मसल, उसमें बहुत सारे कोलेजनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर होते हैं जिसको बोलते हैं कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसको हम बोलते हैं फैस्किया। नंबर ऑफ मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक है, ये देखो ये मसल बंडल है और मसल बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर हैं। ईच मसल फाइबर इज लाइन बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है इसको ये क्या है, ये मसल फाइबर है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है, ये मसल फाइबर है, और ये जो इसके किनारे में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलीमा बोला गया, ये जो किनारे पे मेम्ब्रेन है इसको क्या बोला गया है, सार्कोलीमा। मसल फाइबर क्या है? सिंकिटम इज अ सिंकिटियम एज द सार्कोप्लास्ट कंटेन्स मैनी न्यूक्लाइज, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इसलिए सार्कोप्लाज्मा में, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे वो हैं, ये देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिंकिशियम, मसल फाइबर है सिंकिशियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन, कहाँ गया मसल फाइबर, इसको हम क्या बोलेंगे, हर चीज़ को लिख लिख के याद करना है, मैं इसलिए लिखती हूँ इससे आप लोगों को भी हैबिट पड़े। तो जितने मसल फाइबर्स हैं, क्योंकि साइक्लोसार्कोप्लाज्म में बहुत सारे कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई, सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर। जैसे आप उसमें पढ़ते थे एनिमल सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर होता है, याद होगा, जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, मैंने पढ़ाया था, ऐसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल फाइबर का, और वो स्टोर हाउस है कैल्शियम आयरन का, कैल्शियम आयन स्टोर हाउस है, कैल्शियम आयन्स, ठीक है। तो करेक्टरिस फीचर है मसल फाइबर्स का प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स जो हैं उनको मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स बोलते हैं, पैरेलली जो अरेंज होते हैं उनको मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। तो मायोफिब्रिल में अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, ठीक है, मायोफिब्रिल में स्टेबलिश है जैसे स्ट्रेटिएटेड मायोफिब्रिल, स्ट्रेटिएटेड अपीयरेंस होती है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है टू स्पेशल प्रोटीन का, एक्टिन एंड मायोसिन,
एक्टिन और मायोसिन होता है। जैसे लाइट बैंड्स होता है एक्टिन और आई बैंड बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, डार्क बैंड को बोलते हैं ए और एनिसोट्रॉपिक बैंड। ओके, तो इस तरह से मायोफिब्रिल्स को डिफाइन किया गया है कि मायोफिब्रिल्स किस तरह से होते हैं। ओके, तो उसका जो आप डायग्राम देख रहे हो तो मायोफिब्रिल्स में डिटेल में इसमें दे रखा है कि कैसे इनके मसल्स का डायग्राम होता है, मसल बंडल होता है। ओके, इसमें एक्टिन और मायोसिन टू इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। लाइट बैंड जो होता है एक्टिन होता है आई बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड, वे डार्क बैंड इज कॉल्ड ए और एन आइसोट्रॉपिक। ओके, टू इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं इसमें, ये देखिए। मायोफिब्रिल है एस्टेब्लिश दैट द स्ट्रेटिएटेड अपीयरेंस, मायोफिब्रिल स्टेब्लिश द स्ट्रेटिएटेड अपीयरेंस ड्यू टू द स्ट्राइप्स वाली अपीयरेंस क्यों है, एक्टिन और मायोसिन। लाइट बैंड को एक्टिन बोलते हैं, है ना, लाइट बैंड को एक्टिन बोलते हैं और जो डार्क बैंड है उसको मायोसिन बोलते हैं। यहाँ तक पढ़ा हमने, ये देखो ये किसका हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, मायोफिब्रिल्स का, एंडोप्लाज्मिक रेटिक मसल फाइबर का ही और डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ, मसल फाइबर को लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं उसमें, मायोफिब्रिल होते हैं और ईच मायोफिब्रिल फिलामेंट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, टू इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं। और एक्टिन को क्या बोलते हैं, आई बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड। आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड, और डार्क बैंड को क्या बोलेंगे हम, ए और एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ए बैंड और एन आइसोट्रॉपिक बैंड। क्लियर, तो यहाँ तक हमने इसमें स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम किसका, अगेन मैं बता देती हूँ, यहाँ तक हमने पढ़ा मसल जो है मसल बंडल शो कर रही है और मसल फाइबर शो कर रही है, ये रहे मसल फाइबर। अब इसी मसल फाइबर को इसने बताया है, मसल फाइबर पैरेलली अरेंज फिलामेंट होते हैं जिनको मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स बोलते हैं, ठीक है, और इसमें डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। ये रहा मसल सेल्स में मसल फाइबर हैं और छोटे छोटे और डिटेल में इसी को हम पढ़ रहे हैं, सब क्लियर हो कि हम कहाँ तक पहुँच गए। बोथ द प्रोटीन्स जो होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, ये डार्क बैंड है, ये आपका लाइट बैंड है, क्लियर, और रॉड लाइट स्ट्रक्चर होते हैं पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, दिख ही रहा है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ मायोफिब्रिल्स, एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, एक्टिन जो होते हैं फिलामेंट्स वो थिन होते हैं, एक्टिन के जो फिलामेंट्स होते हैं, क्लियर, एज कंपेयर टू मायोसिन दे आर थिनर, क्लियर, इसीलिए उसे थिन और थिक फिलामेंट भी बोला जाता है, ठीक है, इसको ये थिक होते हैं, दीज आर थिक और ये थिनर है, क्लियर। तो सेंटर ऑफ ईच आई बैंड के सेंटर में क्या है, इलास्टिक फाइबर है जिसको जेड लाइन बोलते हैं, जो बाइसेक्ट करती है। थिन फिलामेंट्स जो होते हैं जेड लाइन से अटैच्ड होते हैं, ओके, थिन फिलामेंट्स जो हैं
और थिक फिलामेंट्स जो होते हैं ए बैंड में ये देखो जेड लाइन बताया, ये जेड लाइन है, क्लियर, ये जो इनको जोड़ रही है ये ए बैंड बताया, ये ए बैंड है ठीक है, और ये आई बैंड बताया, क्लियर। तो जो लाइट पोर्शन ये आई बैंड है, ये जेड लाइन, डार्क बैंड जो है वो मायोसिन है जिसको ए बैंड बोला है, ये जेड लाइन बताई है, जो बीच में लाइन है वो जेड लाइन है, और इसमें ये ऐसे करके मिक्स है, क्लियर, जो डार्क बैंड और लाइट बैंड, और ये आई बैंड है, क्लियर। तो जो बाइसेक्ट कर रही है तो फिलामेंट्स फॉर्मली किससे अटैच है, जेड लाइन से, ईच आई बैंड, हर आई बैंड के बीच में क्या है, जेड लाइन है, क्लियर, जो बाइसेक्ट कर रही है उसको। थिक फिलामेंट्स जो ए बैंड के हैं वो हेल्ड टुगेदर हैं मिडल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन से एम लाइन से अटैच है, जो डार्क बैंड है वो एम लाइन से अटैच्ड है। तो ए एंड आई बैंड्स जो है अरेंज्ड हुए हैं अल्टरनेटिवली, ए और आई बैंड्स थ्रू द लेंथ ऑफ मायोफिब्रल्स, ठीक है, ये देखो ए और आई बैंड अल्टरनेटली ये अरेंज्ड है, यहाँ देख रहे हो ए बैंड आई बैंड ये अल्टरनेटली, और बीच में साथ में जेड लाइन है, ये अल्टरनेटली अरेंज्ड हैं, और जो पोर्शन है मायोफिब्रिल का टू सक्सेसिव जेड लाइन में उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इसको सार्कोमियर बोलते हैं, ये सार्कोमियर है, सार्कोमियर क्या चीज है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर, ठीक है, जो इन लोगों को डिवाइड कर रही है वो जेड लाइन है, और दोनों जेड लाइन के बीच में फंक्शनल यूनिट है जिसको बोलते हैं सार्कोमियर। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, एज ऑफ थिनामेंट्स आइदर साइड के थिन और थिक फिलामेंट्स है पैरेलली ओवरलैप हो जाते हैं फ्री एंड्स में थिक फिलामेंट्स में, और सेंट्रल पार्ट को छोड़ देते हैं, तो सेंट्रल पार्ट जो है थिक फिलामेंट का वो नहीं ओवरलैप होता थिन फिलामेंट से, जिसको एच जोन बोलते हैं, दिस इज एच जोन, ओके। तो इस तरह से इसमें अलग अलग बैंड बताए हैं कि कैसे इसका पोर्शन एक दूसरे को अलग करता है। थिक फिलामेंट्स जो होता है ए बैंड की हेल्ड टुगेदर, और ए बैंड के जो फिलामेंट्स हैं वो हेल्ड टुगेदर बाय एम, एम लाइन से वो अटैच्ड रहता है ए बैंड और आई बैंड। तो इस तरह से जो मसल्स का हमारा अंदर जो फाइबर्स का स्ट्रक्चर है, मसल फाइबर जो हैं उनकी एनाटॉमी क्या है, सार्कोमियर क्या होता है ना, फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, जो थिन फिलामेंट्स हैं दोनों साइड के, थिक फिलामेंट है वो पार्शियली ओवरलैप होते हैं फ्री एंड को, ओवरलैप कर देते हैं थिक फिलामेंट्स की, और सेंट्रल पार्ट को छोड़ देते हैं थिक फिलामेंट, तो थिन फिलामेंट उनको नहीं ओवरलैप करते, जिसको कि हम एच जोन बोलते हैं, उसको वो ओवरलैप नहीं करते रेस्टिंग स्टेट में, क्लियर। तो ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा मसल्स का।
अब है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ईच एक्टिन थिन फिलामेंट जो है दो एफ फिलामेंट एक्टिन हेलिकली वाउंड टू ईच अदर। ईच एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमोरिक जी ग्लोबुलर एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट जो है दो एफ फिलामेंट का बना होता है और हेलिकली, हेलिकली मीन्स इस तरह का जो स्टीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हेलिकल स्ट्रक्चर करते हैं। तो दो फिलामेंट्स का बना हुआ है, टू एफ फिलामेंट्स हैं, एक्टिन हेलिकली वाउंड टू ईच अदर बंधे हुए हैं और ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक जी ग्लोबुलर एक्टिन। तो इस तरह से दो फिलामेंट जो हैं प्रोटीन के ट्रेप्टोमाइसिन के क्लोज टुगेदर हैं थ्रू आउट द लेंथ। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होता है ट्रोपनिन, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रेगुलर इंटरवेंस में ऑन द ट्रोपोमाइसिन। ये रहा ट्रोपोनिन है ये और ये ट्रोपोमाइसिन है और ये एफ एक्टिन है। ठीक है, अगर एक लेयर को हम एफ एक्टिन समझ लें, अगर हम अपने से बता सिंपल डायग्राम, तो ये क्या है, ये जो डबल लेयर आ रहा है पूरा, ओके, ये एफ एक्टिन है और ये जो डबल लेयर पूरा आ रहा है इसको हम मान लें ये ट्रोपोमाइसिन है ना। स्ट्रक्चर बता रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का, इसमें टू फिलामेंट्स होते हैं, ओके, एक्टिन्स जो है हेलिकली वाउंड होता है, ई एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमोरिक जी एक्टिन और इसमें ट्रोपोनिन होता है। दो फिलामेंट जो होते हैं दूसरे प्रोटीन के जिसको बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन, वो भी एफ एक्टिन के थ्रू आउट उस लेंथ में जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होता है रेगुलर इंटरवल्स पे उसमें बना हुआ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन, इसको हम बोलेंगे ट्रोपोनिन, ओके। क्लियर हुआ? तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, सब यूनिट जो होती है ट्रोपोनिन की वो मास्क कर लेती है पूरा एक्टिव बाइंडिंग साइट्स को। मायोसिन के लिए एक्टिन फिलामेंट पे मायोसिन को ओवरलैप होने के लिए क्या करती है, ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग स्टेट। ट्रोपोनिन क्या करती है, उसको कवर कर लेती है जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो जो मायोसिन जो होता है वो एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। मैनी मोनोमोरिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको मैरोमायोसिन्स बोलते हैं और उसमें एक थिक फिलामेंट होता है। ये पहला तो आपका एक्टिन था, क्या है ये एक्टिन, ये है थिन फिलामेंट। इस डायग्राम को आप अपनी बुक में कॉपी में जिसमें भी आपको सूटेबल है बनाइए। ये है मायोसिन, ओके। तो मायोसिन में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं मैरोमायोसिन में, मोनोमर यूनिट को पॉलीमर से बना होता है जैसे, तो एक यूनिट को मोनोमर बोलते हैं। तो मैरोमायोसिन में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ग्लोबुलर हेड है ना, क्या है ये ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म और टेल, ठीक है, इसको बोलते हैं हैवी मैरोमायसिन और दूसरे को बोलेंगे लाइट मैरोमायसिन, ओके, हैवी मैरोमायसिन और दूसरा है लाइट मैरोमायसिन। हेड और शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट्स जो हैं हैवी मायोमायसिन में आउटवर्ड प्रोजेक्ट होते हैं,
हेड और शॉर्ट आर्म आउटवर्ड प्रोजेक्ट होते हैं, रेगुलर डिस्टेंस पे एक एंगल पे ना, जो सरफेस है पॉलीमराइज्ड मायसिन फिलामेंट की उसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस आर्म। है ना, HMM जो है वो हेड और शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स होते हैं रेगुलर डिस्टेंस पे एक एंगल पे एक सरफेस पे, जहाँ पे पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट होता है उसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। इट इज पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट। क्लियर? तो ग्लोबुलर हेड जो होता है उसमें एक्टिव ATPase एंजाइम होते हैं, एक्टिव ATPase एंजाइम होते हैं और बाइंडिंग स्टेट होती है ATP के लिए, ATP बाइंडिंग स्टेट होती है। ठीक है, एक्टिव साइट्स किस और क्या होता है? एक्टिव साइट्स होती हैं एक्टिन के लिए, एक्टिन बाइंडिंग स्टेट होती है और ATP को बांधने के लिए भी स्टेट होती है। ये मायोसिन, ये हमने एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ा जो कि थिन फिलामेंट है, ये हमने मायोसिन मोनोमर का स्ट्रक्चर पढ़ा। एक्टिन और मायोसिन हमने पढ़ा था अभी प्रोटीन के बारे में पीछे, उसी का इसने डिटेल में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बताया है मसल्स के अंदर। तो इस तरह से हमें ये क्लियर हुआ कि मसल्स कैसे वर्क करते हैं, इनके फिलामेंट कैसे, इनका स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे। हमें स्ट्रक्चर पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा आज हमने बताइए? पहले स्ट्रक्चर पढ़ा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का, क्लियर, और ये मसल्स के बारे में पढ़ा, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू पढ़ा हमने मसल का, शोइंग मसल बंडल और मसल फाइबर, टाइप ऑफ मसल्स पढ़ लिया, लोकोमोशन और मूवमेंट पढ़ा। क्लियर? तो यहाँ तक आपको अच्छा समझ आ गया होगा। ये इंटरनल हमने डायग्राम पढ़ लिया मसल का, कैसे इसके बैंड्स जो है अंदर आई बैंड और डार्क बैंड ए बैंड होते हैं और रिलैक्स स्टेज में मसल कैसे रहती है और उसके अंदर जो प्रोटीन है उनके फिलामेंट्स किस तरह के होते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई, पर हमें पता करना है कि मसल्स वर्क कैसे करती हैं, तो अंदर क्या प्रोसीजर होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ये मैं कल आपको पढ़ाऊंगी। आई होप अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।